हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेन, नमस्कार। एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो की टॉपिक है 1857 के क्रांति की प्रकृति। जैसा कि प्राय सभी छात्रों को इस प्रश्न से सामना पड़ता ही होगा, चाहे वो महाविद्यालय में हो, चाहे वो विश्वविद्यालय में हो, चाहे वो प्रांतीय परीक्षाओं में हो, चाहे वो केंद्रीय परीक्षाओं में हो, सिविल सेवा आदि जितनी भी परीक्षाएं हैं, इसमें एक प्रश्न बड़ा कॉमन सा हो गया कि 1857 के क्रांति की प्रकृति क्या थी। इसके लिए मैंने कुछ विदेशी इतिहासकारों का भी चयन किया है और कुछ स्वदेशी इतिहासकारों का भी चयन किया है। आइए देखते हैं कि इनके अपने अपने क्या तर्क हैं। जैसे कि सबसे पहले हम सरजान सीले महोदय की बात करते हैं। सरजान सीले महोदय ने कहा कि एक व्यवस्थित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था 1857 की क्रांति। अब सीले जी ने यह तर्क तो दे दिया जो बहुत खोखला है, क्यों इसके विषय में हम बताते हैं। तो सबसे पहले प्रकृति जानने से पहले आप ये जान लें कि 1857 पर जो विद्रोह हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ पांव फूल रहे थे, तो ये जो भी तर्क दे रहे थे ब्रिटेन रूपी आईने को सामने रख करके तर्क दे रहे थे, क्योंकि उन्हें ब्रिटेन में सफाई देनी थी, क्योंकि वहां के वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थे, कारिंदे तो थे, एक व्यापारी तो थे जो भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, और यहाँ के जयचंद्रों की गद्दारी के चलते यहाँ पर राजा बनने के ख्वाब देखने लगी और बन भी गए। तो अपनी सफाई में, अपनी साफगोई में जो भी कवचदार अपनी स्टेटमेंट दिए हैं, ये खोखले हैं। ये बात और है कि ये आज के समय में हमारे पाठ्यक्रम में जगह बनाए हैं, अभी तक बनाए हैं। तो सरजान सीले महोदय ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार को एक व्यवस्थित सरकार का नाम दिया, एक संस्थापित सरकार का नाम दिया, और मंगल पांडे जो 34वीं बटालियन सेना का एक बहादुर सैनिक था, उसके विद्रोह को इन्होंने बाद में सैन्य विद्रोह के साथ जोड़कर अपनी सुरक्षा कर। इसी तरह के एक स्टेटमेंट L.E.R. रीज महोदय जी का है। अब रीज ने तो कुछ ज्यादा ही कह दिया। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म के विरुद्ध भारतीय धर्मांधों का युद्ध। इस स्टेटमेंट से वो ये बताना चाह रहे थे कि ईसाई होना कोई मेरा गुनाह तो नहीं, लेकिन वो धर्मांध हैं, यानी हिंदू धर्म को मानने वाले धर्मांध, इस्लाम धर्म को मानने वाले धर्मांध, सिख धर्म को मानने वाले धर्मांध, वो धर्मांध हैं, यानी धर्म में अंधे हैं, जो गाय पर और गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस को काटने के साथ, दांत से काटने पर उनके भावनाएं मर्माहत हो गए और वो विद्रोह कर बैठे, इसलिए वो धर्मांध हैं, धर्म में अंधे हो गए, मरने मारने पर तैयार हो गए। बड़ी ही सफाई से अपनी बचाव किया है। अब जे जी मेडले की बात करते हैं। ये भी एक ऐसे विदेशी इतिहासकार हैं जिन्होंने सीधे सीधे जातियों के विरुद्ध युद्ध बोल दिया। अब मेडले ने जातियों में किसके रखा, एक तो काले अंग भारतीय, गोरे अंग्रेज। अब काले और गोरे का भेद उन्होंने बना लिया कि भाई गोरा होना हम अंग्रेजों का कोई गलती तो नहीं, ये तो हमारे गॉड की देन है, और ये काले हमसे नफरत करते हैं, उनकी ये नफरत, उनकी ये ईर्ष्या हमारे खिलाफ विद्रोह को जन्म दे दिया। वारे मेडले साहब, इसी तरह टीआर होम्स, ये तो एक कदम और आगे बोलते हैं कि ये सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध था। अब लीजिए जनाब, यहां सभ्य किसको कहते हैं, अंग्रेज खुद को सभ्य कहते हैं, बर्बर हम भारतीय हो गए। तो वो तर्क देते हैं कि इन्हें न तो टाई लगाने आता, न टोपी पहनने आता है, ये तो बर्बर है, इन्हें मैं सिखा रहा हूं, भाषा सिखा रहा हूं, पढ़ना सिखा रहा हूं, चलना सिखा रहा हूं, बोलना सिखा रहा हूं, इन्हें सरकारी काम करने के तौर तरीके सिखा रहा हूं, लेकिन ये बर्बर हमारी सीखने के बजाय हमारे खिलाफ विद्रोह कर बैठे। और वो सभ्य भिखमंगे अंग्रेज, खाली कटोरा लेकर के भारत में घुसने वाले नंगे फकीर, तुम सभ्य हो गए, और गोल्डन बर्ड के नाम से जाने जाने वाली भारत देश बर्बर हो गई।
ऐसे ही होम्स महोदय ने जो अपनी बात रखी है ये कहीं से तर्कसंगत है क्या? आप बताइए, है? फिर कैसे आपने कह दिया? एक और स्टेटमेंट लेते हैं जेम्स आउट्रम का। इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये हिंदू और मुस्लिमों का संगठित अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह था। अब लीजिए, यानी कि हिंदुओं ने विद्रोह की शुरुआत की और अपने नेता मुस्लिम को बनाया और हम अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए टूट पड़े। अब इसमें हमारा क्या दोष है? ये भी अपने बचाव में हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का चादर ओढ़ लेते हैं। इसी ब्रिटेन में विपक्ष में एक नेता और बैठे हैं जिनका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी के डिजराइली, बेंजामिन डिजराइली। डिजराइली महोदय ने पहली बार कहा कि ये विद्रोह पूरे भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में इतने अधिक क्षेत्रफल में फैला है, एक साथ कई राजे राजवाड़े इसमें भाग लिए, लिहाजा राष्ट्रीय विद्रोह से कम कुछ नहीं। डिजराइली को नमन करता हूं कि कम से कम कंजर्वेटिव पार्टी के इस नेता ने हमारे वीरों के शहादत को राष्ट्रीय विद्रोह की दर्जा दी। इन्हीं सब स्थितियों में अब थोड़े से हम भारतीयों की तरफ चलते हैं कि भारतीय इतिहासकारों ने इसको किस नाम। डॉक्टर एस बी चौधरी, इन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति पहले तो सैन्य विद्रोह थी और बाद में नागरिक विद्रोह में बदल गई। तो भाई ये तो ठीक है, तो बच्चा बच्चा जानता है कि पहले सैन्य विद्रोह था, बाद में नागरिक विद्रोह में बदल गया। लेकिन रामविलास शर्मा जी ने तो इसे जनक्रांति कह करके अपनी बड़ी बढ़िया बचाव किया है। अभी जनक्रांति में तो सभी आ गए ना। अब जनक्रांति में आप बताइए, गरीब भी आ गया, अमीर भी आ गया, राजे आ गए, राजवाड़े आ गए, जितने भी विस्थापित थे सभी आ गए। तो इन्होंने कहा 1857 का विद्रोह जनक्रांति है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा तो ये तो सामंती विद्रोह है। अब उन्होंने कहा कि भाई बहुत से जमींदारों की अपनी भूमियां छीनी गई, पेंशन बंद हो गए, राज राजवाड़े छीन लिए गए, तो उन्होंने अपने प्रजा को, लोगों को लेकर के विद्रोह छेड़ दिया। तो ये एक सामंती विद्रोह के चश्मे से नेहरू ने इस पूरे विद्रोह को देखा, जिसका अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी उल्लेख किया है। एक और तथाकथित विद्वान कार्ल मार्क्स थे जिन्होंने कहा कि भाई ये तो राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम है। मार्क्सवादी विचारक के पोषक, इन्होंने इसको मुक्ति संग्राम तो कहा कि भाई बड़ी छटपटाहट थी, बड़ी घबराहट थी भारतीयों को अंग्रेजी शासन प्रणाली से, उससे वो आजाद होना चाह रहे थे और राष्ट्रीय स्तर पर ही ऐसा शुरुआत किए थे। जब भी था इनका एक स्टेटमेंट, अंग्रेजों के खोखले स्टेटमेंट से थोड़े अच्छे थे। लेकिन रमेश चंद्र मजूमदार जी ने इन सबसे बचते बचाते एक स्टेटमेंट दिया कि न तो ये राष्ट्रीय था, क्योंकि झांसी रानी ने क्या कहा था कि भाई मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो लोग अपनी अपनी राज्य को न देने की बात करते थे, न कि अपने राष्ट्र को देने की बात करते थे, इसलिए मजूमदार महोदय जी ने इसको कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, न तो ये प्रथम था। इसके पहले भी बहुत से सन्यासी विद्रोह, मोपला विद्रोह, बहुत से विद्रोह होते रहे थे, ये प्रथम भी नहीं था और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं की गई थी कि उस सरकार को हटाने के बाद फिर कौन सी सरकार और कैसे बनाई जाए, यानी आजादी का कोई खाका नहीं बुना गया था। तो इसीलिए रमेश चंद मजूमदार जी ने एक बड़ा ही तटस्थ व्याख्यान दिया है। एक सरकारी इतिहासकार की बात ना करें तो बात थोड़ी अधूरी हो जाएगी, जिनका नाम है एसएनसेन सुरेंद्रनाथ सेन। इन्होंने एक पुस्तक ही लिख डाली 1857 यानी 1857, अब लोग करो विवाद, इसे 1856 तो कहोगे नहीं, 1859 तो कहोगे नहीं, 1857 मतलब 57, 58 तो नहीं ना कहेंगे, 57 मतलब 57। तो इन्होंने 1857 बुक ही लिख दिया, न विद्रोह, न क्रांति, न विप्लव,
न युद्ध न स्वतंत्रता कुछ नहीं। इस तरह का स्टेटमेंट देकर के अपनी सरकारी फर्ज को दायित्व को निभाने में सफल रहे। तो इसमें एक तीन तरह के इतिहासकार दिखते हैं, एक जो अपने बचाव में खड़े होते हैं जैसे ब्रिटिश इतिहासकार हैं, और कुछ भारतीय इतिहासकार जो तटस्थ रहते हैं जैसे शर्मा जी हुए, जैसे सेन जी हुए, जैसे मजुमदार जी हुए, और कुछ आक्रामक इतिहासकार हैं जिनमें हम सबसे पहले नाम लेंगे वीर विनायक दामोदर सावरकर जी का। इन्होंने सर्वप्रथम 50 वर्ष के बाद इसकी शताब्दी अर्ध शताब्दी मनाई 1857 की लंदन में, और कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कम कुछ नहीं था। ऐसा नहीं कि सावरकर जी सो के उठे और सुबह स्वतंत्रता संग्राम कह दिए। सावरकर जी ने इंडिया हाउस में बाकायदे इसकी 2 साल अध्ययन किया, इसके सारे दस्तावेजों का अध्ययन किया, बारीकी से अध्ययन किया कि भारतीयों के दिलो दिमाग में कितने दिनों से हलचल थी, वो कौन कौन से राजनीतिक सामाजिक आर्थिक कारण थे जिनसे बारूद का गोला बना। धार्मिक चिंगारी तो एक विद्रोह को शुरुआत करने का एक हौसला था, वेल बिगन इज हाफ डन, किसी काम को ठीक से शुरू तो करें। तो विद्रोह शुरू हो गया और पहले से भड़के हुए लोग डलहौजी के हड़प नीति और बाकी नीतियों से जो को लोगों के पेंशन जा रहे थे, राज्य जा रहे थे, जमींदारों की जमीन जा रहे थे, लोग विभिन्न प्रकार के जो प्रताड़ित थे वो गुब्बारा फूटा। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कुछ नहीं, कम कुछ नहीं। हालांकि इसमें मैं बात करूंगा ईश्वरी प्रसाद जी का, ईश्वरी प्रसाद जी ने भी इस बात की समर्थन किया कि राष्ट्रीय विद्रोह तो था, इससे कम तो कुछ नहीं था। डॉक्टर अशोक मेहता जी ने भी किया है, एस एन सेन जी ने भी बाद में किया है कि राष्ट्रीय विद्रोह से अधिक कुछ नहीं था। मतलब राष्ट्रीय विद्रोह में एक तरह से 1857 की क्रांति भारतीयों की शहादत और भारतीयों का अंग्रेजों से मुक्ति की छटपटाहट बाद के इतिहासकारों ने मानना शुरू कर दिया। पूरी बात का निचोड़ यह है कि जितने अंग्रेज इतिहासकार हैं वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में अपनी बचाव के लिए, भाई मैं अंग्रेज हूं इसमें मेरी तो गलती नहीं, मेरा धर्म ईसाई है इसमें मेरी तो गलती नहीं, मैं सभ्य हूं इसमें मेरी तो गलती नहीं, मैं संस्थापित सरकार चला रहा हूं इसमें मेरी तो गलती नहीं, ये अपने को निर्दोष साबित करने के लिए खुद को ये एक कवर बनाते हैं और भारतीयों को अनपढ़ बनाते हैं, अशिक्षित बनाते हैं, बर्बर बनाते हैं, और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेज निर्दोष हैं, भारतीय की ही सारी दोष है इसलिए विप्लव हुआ और मैंने कड़ाई से इसको कुचल डाला, ये उनका पक्ष कहता है। भारतीयों में जिन इतिहासकारों का मैंने नाम लिया अभी, उन लोगों ने रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुंचा कि वास्तव में ये लोगों का अपने प्रांत के प्रति राष्ट्रीयता थी, पूरे देश के प्रति तो बाद में हुई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ये पॉलिसी तो बाद में विकसित हुआ, पहले हमें झांसी बचाना है, हमें कानपुर बचाना है, हमें सेना में कुछ सुधार करनी है, अपनी जमीन बचाना है, हमें पेंशन बचाना है, तो लोगों के निजी स्वार्थ तो थे, किसानों के भी थे, जमींदारों के भी थे, स्वार्थ तो थे इसमें कोई शक नहीं, मगर इन स्वार्थ में एक विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित थी जो फूट पड़ा। तो वास्तव में हम ये झूठ क्यों ढो रहे हैं, अरे जो गलत हो गया तो हम सीलों को क्यों ढो रहे हैं, होम्स को इतिहास में क्यों ढो रहे हैं भाई, हम ऐसे विदेशी इतिहासकारों को इतिहास में क्यों पढ़ाते जा रहे हैं अपने छात्रों को, जिनकी तर्कहीन बातें खारिज हो चुकी हैं, आउटरम को क्यों ढो रहे हैं, इन तर्क के माध्यम से हम क्या बताना चाह रहे हैं कि हम बड़े कंफ्यूज हैं अपने विद्रोह की प्रकृति में, नहीं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। बी डी सावरकर जी ने इस किताब को लिख करके ये प्रमाणित कर दिया, प्रथम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस, राइट, प्रूफ कर दिया कि भारत में
जो आजादी के लिए लड़ाई होनी चाहिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई होनी चाहिए, वो कूट कूट करके भरी हुई थी। इसलिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कम कुछ नहीं था। लिहाजा हमें सच को रख करके बाकी सारे झूठ को पाठ्यक्रम से हटा देना चाहिए। झूठ ढोने का अब मन नहीं करता, झूठ पढ़ाने का अब मन नहीं करता, लेकिन धन्य रहे पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम बनाने वाले, अभी तक हम न जाने कब तक ढोते रहेंगे रीजे को, सील को, मेंडले को, आउटरम को, कब तक? अब तो हम गुलाम नहीं ना है, अब तो हम आजाद है ना। इसलिए मैं अपने सभी मित्रों से कहना चाहूंगा कि 1857 की वास्तविक प्रकृति, जिस किताब पर बैन लगा दिया गया बीडी सावरकर के, वही सच है, इससे अधिक कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।